आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। एक विधानसभा क्षेत्र की गणना के लिए, लेकिन हमारी कुछ विधानसभा ऐसी हैं जिनमें मतदान केंद्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसको देखते हुए कई विधानसभा क्षेत्रों में 14 से ज़्यादा टेबल हम लोगों ने आयोग से अनुमति लेकर के वो लगाई है, ताकि जो परिणाम है वो हमें थोड़ी शीघ्रता से प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए जैसे सिवनी में लखना दौन है, जहाँ सबसे ज़्यादा मतदान केंद्र हैं, वहाँ पे 407 मतदान केंद्र हैं, तो यदि 14 टेबल सामान्य प्रक्रिया के तहत 14 टेबल से आप काउंटिंग करते हैं तो काफ़ी वक्त लगता है, तो वहाँ हम लोग 21 टेबल लगाएंगे। तो इस तरह से कई सारी विधानसभाएं हैं जहाँ पे 21 टेबल, कहीं पे 18, कहीं 16, कहीं 20, इसके माध्यम से कर रहे हैं, और अनुमान है कि पिछले वर्ष की तुलना में यदि काउंटिंग निर्बाध चली, कोई व्यवधान नहीं आया, तो मेरा जो अनुमान है उसमें पहले करीब 5.5 घंटे मान लीजिए, पहले 5 घंटे से लेकर के अंतिम में आप 10 घंटे मान लीजिए, तो 5 से 10 घंटे के बीच में पूरी 230 विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम हमको प्राप्त हो जाएंगे। 5 घंटे में इसलिए कह रहा हूँ, जैसे सबसे पहले जैसे दतिया में भांडेर है, तो भांडेर में 229 मतदान केंद्र हैं, 229 मतदान केंद्रों के लिए वहाँ हम 18 टेबल लगा रहे हैं, तो 18 टेबल यदि लगा रहे हैं तो जो काउंटिंग का जो राउंड होता है वो 13 राउंड में वो काउंटिंग ख़त्म हो जाएगी, तो 13 राउंड में अगर काउंटिंग ख़त्म होती है तो हमारा अनुमान है कि 4.5 से 5 घंटे में वो क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली सेवड़ा में 221 मतदान केंद्र हैं, वहाँ 20 टेबल लगा रहे हैं, तो वहाँ भी अनुमान है कि 4.5 घंटे 5 घंटे में हो जाएगा यदि काउंटिंग सीधी चलती रहती है। तो ये प्रयास है कि अधिक टेबल्स की संख्या जहाँ पे स्थान उपलब्ध रहा है और जहाँ पे कैंडिडेट्स ज़्यादा रहे हैं वो भी ध्यान रखा गया, ज़्यादा कैंडिडेट में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है मशीन को बार बार ये करने में, तो इसलिए टेबल्स की संख्या भी बढ़ाई गई है कई जगहों पर। मतगणना जो है वो 8 बजे शुरू होगी, आपको पता है, आपकी जानकारी में है, पहले भी हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से बता चुके हैं। स्टार्ट करेंगे पोस्टल बैलेट से जैसा आयोग के निर्देश हैं, आधे घंटे के बाद जो वोटिंग मशीन है उनके माध्यम से गिनती शुरू होती है। पहले ये व्यवस्था होती थी कि यदि पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हुई है तो ईवीएम की गिनती का आखिरी राउंड रोकते थे और पहले पोस्टल बैलेट ख़त्म करते थे। अब वर्तमान व्यवस्था ये है कि दोनों गतिविधियां इंडिपेंडेंट हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती अलग है, वो अलग एआरओ के टेबल्स पे चलेगी, उसकी संख्या भी हम लोगों ने बढ़ाई, मैं आपको बताऊंगा, और ईवीएम की गिनती अलग चलेगी जो जब ख़त्म होगा, एंड नेचुरली पोस्टल बैलेट पहले ख़त्म होगा क्योंकि पोस्टल बैलेट की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, तो पोस्टल बैलेट जैसे समाप्त होगा वैसे पोस्टल बैलेट के परिणामों की घोषणा की जाएगी। ऐसा नहीं है कि पोस्टल बैलेट के रिजल्ट्स को रोक करके रखा जाएगा, जैसे किसी विधानसभा क्षेत्र के पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त होती है आरओ द्वारा उसकी घोषणा की जाएगी। ईवीएम के जो मशीन्स हैं उनकी घोषणा राउंड वाइज होती है, यदि उस विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल है तो जैसे उन 14 टेबल की गिनती पूरी हो जाती है, उसका टोटल वगैरह बन जाता है, तो प्रत्येक राउंड पे उसकी घोषणा होती है और उस राउंड की जो कॉपी बनती है वो जो कैंडिडेट अगर उस हॉल में होते हैं तो कैंडिडेट को दी जाती है, कैंडिडेट नहीं होते हैं तो उनके जो इलेक्शन एजेंट हैं उनको दी जाती है। इसी तरह से जो टेबल्स हैं, जिस टेबल पे ईवीएम मशीन की गिनती हो रही है, उस टेबल के लिए जो कैंडिडेट के एजेंट होते हैं, तो हर मशीन की गिनती के बाद उस मशीन में किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं वो भी एजेंटों को दिया जाएगा, उसकी फोटोकॉपी कराएंगे और एजेंट्स को दी जाएगी कि किसी मशीन में एक कैंडिडेट को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। कहने का मतलब कि पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से हर राउंड की भी जानकारी और हर टेबल की जानकारी भी एजेंट्स को और कैंडिडेट को होगी, ये उन सभी को दी जाएगी। जो काउंटिंग में जो स्टाफ लगता है उनका 3 बार रैंडमाइजेशन होता है, तो फर्स्ट रैंडमाइजेशन हो चुका है, सेकेंड रैंडमाइजेशन 24 घंटे पहले होता है। सेकेंड रैंडमाइजेशन में ये किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस विधानसभा की काउंटिंग करेगा, और जो थर्ड रैंडमाइजेशन होता है जो 3 तारीख की सुबह 6 बजे 5 बजे होगा, 6 बजे नहीं 5 बजे होगा, ये ऑब्जर्वर की उपस्थिति में होगा, तो थर्ड रैंडमाइजेशन में ये पता चलता है कि उस विधानसभा में वो व्यक्ति कौन सी टेबल पे बैठेगा।
मतलब कहने का आशय यह है कि 3 तारीख की सुबह 5 बजे तक किसी को पता नहीं है कि वो किस टेबल पे काउंटिंग कर रहा है। हर टेबल पे काउंटिंग सुपरवाइजर्स होते हैं, काउंटिंग असिस्टेंट होते हैं, और इनके अतिरिक्त एक माइक्रो ऑब्जर्वर होता है। जो माइक्रो ऑब्जर्वर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, वो राज्य सरकार का एम्प्लॉय नहीं होता। तो एक तरह से हर टेबल पे 4 लोग होते हैं और दूसरी तरफ जितने कैंडिडेट हैं उनके एजेंट होते हैं। हर विधानसभा के लिए एक ऑब्जर्वर है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त है, जो दूसरे प्रांतों के वरिष्ठ सीनियर अधिकारी होते हैं। 230 विधानसभा क्षेत्र के लिए 230 ऑब्जर्वर अपने यहाँ नियुक्त हैं। जो सर्विस वोटर होते हैं, जिनको हम ईटीपीवीएस कहते हैं, आखिरी मतगणना शुरू होने के दिन मतलब 3 तारीख को 8 बजे तक जो उनके प्राप्त होते हैं मत डाक से, उनको हम लोग काउंट करते हैं, उनको लिया जाता है। तो इसके लिए डाकघर के साथ समन्वय करके और जो पोस्टमैन वगैरह को अतिरिक्त पास जारी किए गए हैं कि देर रात तक भी जो डाक मतपत्र सर्विस वोटर के, डाक मतपत्र का मतलब कर्मचारी वाला और ये नहीं है, सिर्फ जो सेना में हमारे लोग हैं जो सर्विस वोटर्स हैं, उनके मतपत्र अगर देर रात जब भी प्राप्त होते हैं 8 बजे के पहले, उनका पोस्टमैन आसानी से काउंटिंग सेंटर तक आ सके, उसको कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए डाक विभाग से समन्वय करके उनको पासेज जारी किए गए हैं, ताकि वो 8 बजे के पहले यदि कोई उनको प्राप्त हुआ है तो ला करके मतगणना स्थल पे दे सकें, ताकि उसको काउंटिंग में हम रख सकें। मीडिया के साथियों के लिए मतदान केंद्र पे मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे टेलीफोन, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की व्यवस्था रहेगी। आयोग द्वारा जो हम लोगों ने कहा है और इंतजामों की यहाँ पर जानकारी दे रहे थे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप जुड़े रहिए।